ओके व्यूअर्स, हमारे मुद्रा सीरीज में आज आपका स्वागत है। आज जो हम मुद्रा लेकर आए हैं वो उन सभी व्यक्तियों के लिए बहुत फायदेमंद है जो किसी भी तरह के बीमारी से जूझ रहे हों, जिनकी इम्यूनिटी कम है, आँख के किसी प्रॉब्लम से, भूख प्यास की प्रॉब्लम से, या फिर जिनके शरीर में प्राण इंटेक कम होता है, तो उन सब लोगों के लिए ये फायदेमंद है, वो ज़रूर देखें। तो मैं बता रहा था प्राण मुद्रा। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि अपने शरीर के अंदर जो पांच तत्व हैं, जब भी इन तत्वों में इम्बैलेंस होता है तो ही हम बीमार पड़ते हैं, तो ही हमको परेशानी होती है और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो मुद्रा वो है जिससे तत्वों को बैलेंस किया जाता है शरीर के अंदर। उसी तरह से प्राण मुद्रा में पृथ्वी तत्व और जल तत्व को एक साथ मिलाकर अंगूठे के टिप के अनुसार से टच करते हैं तो ये मुद्रा बनता है। अर्थात जल तत्व और पृथ्वी तत्व को जब अग्नि तत्व से मिलाते हैं तो प्राण तत्व एक्टिवेट होता है। अभी ये मुद्रा है, ये दोनों उंगली का टिप और अंगूठे का टिप एक साथ मिलेगा, और बाकी जो दोनों उंगलियां हैं, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, वो स्ट्रेट रहेंगे, घुटने पे हाथ टिका हुआ, आंखें जेंटली बंद और किसी भी मेडिटेटिव पोजीशन में बैठे। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि आपका इम्यूनिटी बढ़ता है, शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ता है, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है, भूख और प्यास को नियमित करता है और प्राणों के अंदर इनटेक को बढ़ाता है। प्राण ही शरीर के अंदर ऐसा है जिसके बगैर आप 1 मिनट भी नहीं रह सकते, क्योंकि इसको बोलते हैं प्राण वायु। जब तक शरीर के अंदर प्राण चल रहा है तभी तक हम जीवित हैं, नहीं तो सिर्फ एक वो तत्व इसमें से निकलने के बाद ये शरीर मिट्टी का माना जाता है, ये किसी काम का नहीं। चाहे हम कितने गाड़ी बंगले ओहदे पद पोजीशन धन दौलत कितना भी हो, लेकिन यदि हमारे शरीर के अंदर प्राण नहीं है तो वो बेकार है, ख़त्म। तो इसलिए आपके शरीर के अंदर ये मुद्रा जो है प्राण तत्व को बढ़ाता है, शरीर के अंदर आपको प्राण तत्व लेने की शक्ति को बढ़ाता है। अभी आपको मैं दूसरा मुद्रा बताऊंगा। ये मुद्रा उन सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जिनको सर्दी खांसी कफ अस्थमा की बीमारी है, साइनस है, लो बीपी है, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद मुद्रा है। लिंग मुद्रा, लिंग मुद्रा के लिए आप किसी भी मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ जाएं, दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे मिलाएं और उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करें और बायां अंगूठे को ऊपर 90 डिग्री में रखें। दोनों हथेलियाँ मिली हुई होंगी और ये छाती के लेवल पे होगा और इस तरह से साइड में दोनों कोहनियाँ निकली होंगी और आँखें नॉर्मल बंद होंगी। अभी इस पोजीशन में आप उंगलियों के टिप्स के ऊपर पल्स के
बिट महसूस कर सकते हैं कि हमारे जो शरीर के अंदर जो खून का प्रवाह हो रहा है उसमें एक एक क्षण जो है हमारे उसमें महसूस होगा। ये मुद्रा हमारे शरीर के अंदर हीट जनरेट करता है, बहुत ही गर्मी इससे पैदा होती है और वो गर्मी पैदा होने की वजह से हमारा सर्दी, खांसी और अस्थमा को कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदा होता है। किसी को साइनस है या पैरालिसिस है या लो बीपी है उसको भी बहुत राहत मिलता है, ये कफ को सुखा देता है क्योंकि इससे गर्मी बहुत जनरेट होती है। अभी इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि चूँकि इस मुद्रा से गर्मी बहुत होती है इसलिए उसको काउंटर करने के लिए हमें फ्रूट जूस, पानी, मिल्क, घी इसका इंटेक बढ़ाना पड़ेगा तो वो बैलेंस रहेगा। और एक जो लिमिटेशन इसकी है कि आप इस मुद्रा को जब ज़रूरत हो उसके अनुसार ही करें, इसको हमेशा नहीं करें क्योंकि शरीर के अंदर गर्मी बढ़ेगी। तो इसलिए ये विशेष ध्यान देने वाली बात है इसमें। बाकी नहीं तो ये सारे जो आपके जो मैंने अभी ऊपर बताया इन सारी बीमारियों में ये फ़ायदेमंद है। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, कल मैं दूसरे मुद्रे के साथ दूसरे वीडियो में आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।